जय हिंद दोस्तों, ओजस्वत IAS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। UPPCS प्रारंभिक परीक्षा 2020 की टेस्ट सीरीज डिस्कशन के क्रम में आज तीसरे टेस्ट सीरीज भारतीय राज्य व्यवस्था को डिस्कस करेंगे और आप सभी लोगों की सुविधा के लिए प्रत्येक प्रश्न के बाद उसका व्याख्यात्मक हल भी दे दिया गया है, ताकि जो भी आपको तथ्य महत्वपूर्ण लगे उसे वीडियो को पॉज करके रोक करके आप देख लें और राइट डाउन कर लें, लिख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय कब बनाई गई थी? ये 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बनाई गई थी। इसमें जो उच्च सदन होता था इसमें 60 सदस्य होते थे और इसे काउंसिल ऑफ स्टेट के नाम से जाना जाता था। इसमें 34 सदस्य निर्वाचित होते थे और 26 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था, और जबकि जो निचला सदन था उसे केंद्रीय विधानसभा कहा जाता था, जो कि 3 साल के लिए होता था और इसमें 144 सदस्य होते थे, जिनमें से 104 को निर्वाचित किया जाता था और 40 को मनोनीत किया जाता था। दूसरा प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? ये भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत है। भारतीय संविधान का जो एक बड़ा हिस्सा है ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जिस कारण दूसरे प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1935 के अधिनियम से जो जो चीज़ें महत्वपूर्ण ली गई थी वो इस प्रकार हैं, जैसे कि संघात्मक शासन या संघात्मक सरकार की स्थापना, केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना, प्रांतों में द्वैत शासन के स्थान पर स्वायत्त शासन की स्थापना, द्विसदनीय केंद्रीय विधान मंडल की स्थापना, प्रांतीय शासन व्यवस्था की स्थापना, प्रांतीय विधान मंडल की स्थापना, केंद्र एवं प्रांतों में शक्तियों का विभाजन करना, इसके अतिरिक्त फेडरल न्यायिक न्यायालय की स्थापना करना भी शामिल था। तीसरा प्रश्न है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एलबर्ट बिल का उद्देश्य क्या था? देखिए, 1883 में लॉर्ड रिपन एक विधेयक लाया था जिसे एलबर्ट बिल कहा गया था। इसके अंतर्गत भारतीय मजिस्ट्रेट भारत में जो यूरोपीय लोग बसे थे उनके मुकदमों की भी सुनवाई कर सकते थे, और इस विधेयक का जो उद्देश्य था वो ये था कि अदालतों की जो दांडिक अधिकारिता है उसमें भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी का दर्जा मिल सके। इस कारण से तीसरे प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, जिसमें कथन और कारण दिया है। कथन है, वेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कारण है जो दिया है, वेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता, ये कारण गलत हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर 1943 में लॉर्ड लिनलिथगो के स्थान पर विस्काउंट वेवेल को गवर्नर जनरल भारत का बनाया गया था, जिसने भारतीय संवैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए मई 1945 में लंदन की यात्रा की और ब्रिटिश सरकार से बात की और कुछ प्रस्ताव रखे। उन्हीं प्रस्तावों को जब भारत में जून 1945 में लाया गया तो वेवेल योजना के नाम से जाना गया। इस योजना के प्रस्तावों में शामिल ये था कि पहला तो कार्यकारिणी में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होगी, दूसरा वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर कार्यकारिणी में सभी सदस्य भारतीय होंगे, इसके अतिरिक्त शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाएगा ताकि युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों के द्वारा खुद का संविधान बनाया जा सके। इस योजना का यानी कि वेवेल योजना का जो उद्देश्य था ये राजनीतिक गतिरोध को दूर करना था तथा भारत को एक पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी ये नहीं था कि हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ किया जाए और भारत का विभाजन रोका जाए। इस कारण से चौथे प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है। पांचवा प्रश्न है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? ये 22 जनवरी 1947 को भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया, जो कि 13 दिसंबर को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया गया था। इस कारण पांचवें प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 22 जनवरी 1947। छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान को बनाने के लिए भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? देखिए, कुल 11 अधिवेशन हुए थे लेकिन ऑप्शन में 12 दिया हुआ है। इसका कारण ये है कि भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ था उसमें समय लगा था 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन।
और इस समय के दौरान लगभग 13 बैठकें यानी अधिवेशन हुए थे 165 दिनों के बीच में। इन 13 अधिवेशनों के बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत कर लिया गया था। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को एक अंतिम बैठक हुई थी जब भारतीय सदस्यों के द्वारा यानी जो संविधान सभा के सदस्य थे उनके द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इस कारण से ये 12 बैठकें हो गई थी यानी कि 13 अधिवेशनों में भारत का संविधान बन गया था और जो 12वीं बैठक थी वो 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, जिस कारण से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? ये जवाहरलाल नेहरू थे। देखिए नीचे कुछ समितियां दी गई हैं और उनके अध्यक्ष दिए गए हैं जिसको एक बार देख लेते हैं। नियम समिति, संचालन समिति और रियासत समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और सलाहकार समिति की 2 उप समितियाँ थी। पहली मूल अधिकार उप समिति जिसके अध्यक्ष JB कृपलानी थे और दूसरी उप समिति थी अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी थे। संघ शक्ति समिति और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे जबकि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। 8वां प्रश्न है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था? ये 26 नवंबर 1949 को पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। भारतीय संविधान की आप प्रस्तावना में भी देखेंगे कि 26 नवंबर 1949 को लिखा है कि भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूरा होने, पारित होने तथा इसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थाई और संक्रमणकालीन उपबंध भी लागू कर दिए गए थे। शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए थे। इस कारण से संविधान के पूर्ण रूप से लागू होने तथा पूर्ण रूप से क्रियान्वयन होने की तिथि जो है वो 26 जनवरी 1950 को माना जाता है, लेकिन जो तैयार हुआ था उसके लिए हम 26 नवंबर 1949 की तारीख को लेंगे। इस कारण से 8वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? अधिकांश लोगों को पता होगा क्योंकि कई बार कई परीक्षाओं में प्रश्न आ चुका है। 15 महिला सदस्य थीं जिनमें से विजयालक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजनी नायडू, सुचेता कृपलानी, पूर्णिमा बनर्जी, लीला राय, दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल, एनी मश्क्रीनी और अम्बू स्वामीनाथन शामिल थीं। इस कारण से 9वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है जिसमें पहली सूची में भारतीय संविधान के लक्षण हैं और दूसरी सूची में दिया गया है कि लक्षण किस देश के संविधान से प्रेरित हैं या किस देश के संविधान से लिए गए हैं। पहला है मूल अधिकार, मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। दूसरा है शासन की संसदीय प्रणाली, ये ग्रेट ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। तीसरा है आपात उपबंध, ये जर्मनी के वीमर संविधान से ग्रहण किया गया है। और अंतिम है राज्य के नीति निदेशक तत्व, ये आयरलैंड से लिया गया है। इस कारण से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है। इसके उत्तर में बहुत अंतर देखने को मिलेगा। कई कई जगह 22 लिखा है, कई कई जगह 25 लिखा है, जिसका कारण अभी स्पष्ट हो जाएगा। और इसका उत्तर हमने 22 भागों में ये लिया है और यही अंतिम रूप से सही है। क्योंकि देखिए भारतीय संविधान को जब शुरू में बनाया गया था यानी जब बनकर तैयार हुआ था तो मूलतः 22 भागों में विभाजित किया गया था। इसके बाद इसमें 4 भाग जोड़े गए थे और 1 भाग हटा दिया गया था, तो कुल मिलाकर के 25 भाग हो गए थे। लेकिन अंतिम रूप से उन भागों को उपभागों के रूप में माना जाता है तो 22 ही माने जाते हैं, क्योंकि जो अतिरिक्त भाग जोड़े गए थे उसमें से भाग 4 का जो मूल कर्तव्य है ये 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। दूसरा
नौकक्का यानी भाग नौकक्का जिसमें नगर पालिकाएँ, ये 74वें संविधान संशोधन 1993 से जोड़ा गया था। फिर नौकक्खा भाग, ये सहकारी समितियां जोड़ी गई थी, ये 97वें संविधान संशोधन 2011 से जोड़ा गया था। और भाग 14 कक्का, इसमें ट्रिब्यूनल्स यानी अधिकरण जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से जोड़ा गया था। ये चार भाग जोड़े गए थे तो 26 हो गए थे भाग। और उसके बाद भाग 7 जो पहली अनुसूची के भाग खा के राज्य, इसमें से एक अनुच्छेद था 238, इसको 7वें संविधान संशोधन 1956 से हटा दिया गया। इस कारण भाग की संख्या 25 हो गई, लेकिन फिर भी इसे 22 भागों में ही विभाजित माना जाता है, जिस कारण प्रश्न नंबर 11 जो भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, इसका उत्तर हो जाएगा 22 भागों में। 12वां प्रश्न है, सूची दी गई है दो, एक तरफ अनुसूची भारतीय संविधान की है और दूसरी तरफ उस अनुसूची में सम्मिलित प्रावधान। पहली जो अनुसूची दी गई है वह है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों के वितरण के बारे में बात की गई है। 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं के बारे में बात की गई है। 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विद्यमानीकरण की बात की गई, जबकि 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता या अयोग्यता की बात की गई है। इस कारण 12वें प्रश्न का उत्तर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही रहेगा। अब देखिए, भारतीय संविधान में 12 अनुसूची हैं, वैसे थी तो 8, लेकिन बाद में 4 और जोड़ दी गई, जिस कारण से वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां देखने को मिलती हैं, जिसमें से पहली अनुसूची में राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में बात की गई है। राज्यसभा के सभापति, उपसभापति तथा विधानसभा के अध्यक्षों को भी दूसरी अनुसूची में ही जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, भारत के महालेखा नियंत्रक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कैग के संबंध में भी उपबंध दूसरी अनुसूची में ही शामिल हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप के बारे में बात की गई है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों के आवंटन की बात की गई है। 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध की बात की गई है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की बात की गई है। 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात की गई है, 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों के सत्यापन का प्रावधान किया गया है। 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्हरता के बारे में उपबंध है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्वों की बात, जबकि 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और दायित्वों की बात की गई है। 13वां प्रश्न है, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए हैं, या अनुच्छेद 117 के अंतर्गत दिए गए हैं। देखिए, भारतीय संविधान को जो अनुच्छेद 117 का उपअनुच्छेद 1, 2 और 3 है, इसमें वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है, जबकि अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन, अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश के संबंध में चर्चा निर्बंधन तथा अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने के राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख है। इस कारण से 13वें प्रश्न का उत्तर ए यानी अनुच्छेद 117 में ही वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध है, सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, एक तरफ अनुच्छेदों की सूची दी गई है और दूसरी तरफ उस अनुच्छेद में शामिल प्रावधानों की बात की गई है। पहला अनुच्छेद है अनुच्छेद 323 का ए, इसमें प्रशासनिक अधिकरणों की बात की गई है। अनुच्छेद 324 ये निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 330 ये लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण के बारे में है, जबकि अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोगों की कार्य के का विवरण दिया गया है। इस कारण 14वें प्रश्न का सही मिलान ऑप्शन सी में मौजूद है। 15वां प्रश्न है, एक तरफ संविधान के उपबंधों की सूची दी गई है और दूसरी तरफ वो उपबंध किस भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित हैं, ये दिया गया है।
देखिए, जो मौलिक अधिकार हैं, मैं सही मिलान बताए दे रहा हूँ, जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में है। मौलिक कर्तव्य भाग 4 के का में या 4 के ए में है। जो संघ है वो संघ भाग 5 में है, और आपात उपबंध ये भाग 18 में है। इस कारण से 15वें प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए में है। इस कारण 15वें प्रश्न का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इसमें से कौन सा सही है। पहला, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत्वा उद्देशिका बना, ये बिल्कुल सही है। इसकी प्रकृति वाद योग्य नहीं है, ये भी सही है। तीसरा कथन, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता, यह गलत है, संशोधन किया जा सकता है उद्देशिका का। चौथा, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती, ये भी बिल्कुल सही है। जिस कारण से पहला कथन सही हो गया, दूसरा कथन और चौथा कथन सही है, तो 1, 2 और 4 सही हो जाएंगे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत भारतीय संविधान 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था, जिसे ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य प्रस्ताव को कहा गया था, यही आगे चल करके भारतीय संविधान की उद्देशिका बना। इसकी प्रकृति वाद योग्य नहीं है। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकती है। केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट, जिनको बेहतर ढंग से स्पष्ट नहीं किया जा सकता, उन क्षेत्रों की व्याख्या करने में मदद ली जा सकती है उद्देशिका की। उद्देशिका में संशोधन संभव है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े भी गए थे। उद्देशिका संविधान के स्पष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकती है। उद्देशिका का प्रयोग किसी भी भारतीय संविधान में आ रहे किसी भी प्रकार के भ्रम को दूर करने में किया जा सकता है। उद्देशिका का उपयोग इस निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है कि संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 17वां प्रश्न है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके नागरिकों के लिए सुनिश्चित करता है। पहला कथन है, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, बिल्कुल सही है। विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी सही है। अवसर की समानता, ये भी सही कथन है। और व्यक्ति की प्रतिष्ठा, ये भी सही है, जिस कारण से डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित विवादों में से सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग किसमें स्वीकार किया? तो ये केशवानंद भारती विवाद, जो कि 1973 में आया था, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग माना था, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि हमारे संविधान का उद्देशिका में वर्णित बुनियादी तत्वों पर खड़ा है, यानी कि हमारा संविधान जो है वो उद्देशिका में जो लिखा गया है उसी के इर्द गिर्द ही है, यानी उद्देशिका एक नींव की तरह भारतीय संविधान के लिए काम कर रही है। यदि इसमें से किसी भी तत्व को हटा दिया जाए तो सारा ढांचा ही ढह जाएगा, अर्थात संविधान वही नहीं रह जाएगा, अर्थात अपना व्यक्तित्व पहचान खो देगा। इस कारण 18वें प्रश्न का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केशवानंद भारती विवाद। इसी विवाद से सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना के रूप में स्वीकार किया था। 19वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष, इसमें संप्रभुता, सोवरनिटी ही राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि जो भी स्टेट यानी राज्य तभी बनता है जब उसमें 4 तत्व हों, जनसंख्या, भूभाग, सरकार और उस सरकार का संप्रभु होना। राज्य के इन 4 तत्वों में संप्रभुता सबसे महत्वपूर्ण तत्व है, क्योंकि संप्रभुता के बिना कोई भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से राज्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि 1947 से पहले ही देख रहे थे कि भारत राष्ट्र था लेकिन राज्य नहीं था, क्योंकि 1947 से पहले भारत के अंदर शासन भी था, जनसंख्या भी थी और एक उसका भूभाग भी था, लेकिन क्या था, वो जो सरकार थी, शासन था, वो संप्रभु नहीं था, जिस कारण से ये सब राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व संप्रभुता को माना जाता है। इस कारण 19वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है,
भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या हैं? पहला, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। बिल्कुल सही है। दूसरा, इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है। बिल्कुल सही है, संसद है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं है। बिल्कुल सही है। और चौथा कथन, ये एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। ये गलत हो जाएगा, जिस कारण से 20वें प्रश्न का पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है और इसके लिए ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए, लोकतांत्रिक गणतंत्र या संसदात्मक सरकार एवं सर्वोच्च सत्ता का जनता में निहित होना भारत की राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण हैं। तथापि यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान नहीं करती है, बल्कि सत्ता को केंद्र और राज्यों में विभाजित किया गया है। इस कारण 20वें प्रश्न का ऑप्शन भी सही हो जाएगा। 21वां प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, ये भारतीय संविधान का संघीय लक्षण है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, ये भी संघीय लक्षण है। एकहरी नागरिकता, ये संघीय लक्षण नहीं है, जिस कारण से 21वें प्रश्न का ऑप्शन सी ही सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, एकहरी नागरिकता नहीं है, जबकि स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान के संघीय लक्षण में आती है। क्योंकि एकहरी नागरिकता भारतीय संविधान का संघीय लक्षण न होने के कारण भारतीय संविधान में इस प्रश्न में यही ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि भारतीय संविधान में एकात्मक और संघात्मक दोनों ही विशेषताएं हैं। भारतीय संविधान के संघात्मक अगर लक्षणों की बात की जाए तो इसमें लिखित संविधान और कठोर संविधान दोनों लक्षण हैं। केंद्र तथा राज्यों में शक्तियों का वितरण है। न्यायपालिका की सर्वोच्चता और स्वतंत्रता, द्विसदनीय विधानमंडल शामिल हैं। जबकि एकात्मक लक्षणों की बात की जाए तो एकल नागरिकता, राज्यपालों के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति, आपातकाल की घोषणा, समझौताओं को लागू करने में संसद की शक्ति का उल्लेख किया जा सकता है। 22वां प्रश्न है, भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? ये जी ऑस्टिन ने कहा था। देखिए, भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है या एकात्मक, इस संबंध में विद्वानों में बहुत अधिक मतभेद है। क्योंकि दोनों लक्षण देखने को मिलते हैं, तो किसी ने एकात्मक माना है और किसी ने संघात्मक माना है। तो जिस कारण से जी ऑस्टिन के अनुसार भारत का संविधान सहकारी परिसंघीय संविधान है, और जबकि केसी वियर कहते हैं कि भारत का संविधान अर्धसंघीय है। इस कारण से 22वें प्रश्न का पूछ रहा है कि संघवाद को सहकारी संघवाद किसने माना, तो जी ऑस्टिन ने माना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 23वां प्रश्न है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? भारत राज्यों के एक संघ है, राज्यों की यूनियन है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अनुच्छेद एक में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ यूनियन होगा। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र के साथ साथ ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित कर लिए जाएं वो सभी शामिल होंगे। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम तथा प्रत्येक के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्रों का वर्णन संविधान की प्रथम अनुसूची में भी किया गया है। 24वां प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ये 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य की श्रेणी में रखते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद को उपबंध किया गया। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 239 के ए यानी 239 के का में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का दर्जा दिया गया। 25वां प्रश्न है, नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम कौन सा है? अब देखिए, जो नागालैंड है ये 1963 1 दिसंबर को बना था, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना था, सिक्किम मई 1975 में तथा अरुणाचल प्रदेश 22 फरवरी 1987 को बना था, जिस कारण ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम तथा अरुणाचल प्रदेश। देखिए, संविधान का अनुच्छेद जो 3 है, संसद को नए राज्य के निर्माण की शक्ति देता है। नए राज्यों का जो निर्माण है सामान्य विधि के द्वारा किया जाता है। इस कारण से 25वें प्रश्न का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यही सही क्रम है जो प्रश्न में दिया गया है। 26वां प्रश्न है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी, 29 दिसंबर को।
जिसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को दी। इस आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे। इसमें दो अन्य सदस्य हृदयनाथ कुंजरू और के एम पाड़िक्कर थे। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको संविधान के द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ये सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है, क्योंकि भारतीय संविधान को जो अनुच्छेद 13 है, ये मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध न्यायालयों को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति प्रदान करता है। ये केवल उच्चतम न्यायालय जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत तथा उच्च न्यायालय जो कि अनुच्छेद 226 के अंतर्गत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अपनी शक्ति की अधीन उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय विधानमंडलों द्वारा पारित किसी भी ऐसे अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं जो संविधान के भाग 3 यानी मूल अधिकार में दिए गए उपबंध की असंगति में है। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो भाग 3 में दिए गए अधिकारों मूल अधिकारों को कम करने या सीमित करने के संबंध में कोई नियम बनाया जाता है, तो उस नियम को ख़त्म करने के संबंध में अपनी शक्ति का प्रयोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में दिया गया है। किन किन अनुच्छेदों में? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समता का अधिकार दिया गया है। 14 में है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में दिया गया लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत की बात की गई है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 29वां प्रश्न है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? ये अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत का अंत करके उन्हें सामाजिक आर्थिक राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं, क्योंकि भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है और उसमें अनुच्छेद जो 17 है इसके अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत और उसका किसी भी रूप में आचरण को अवैध घोषित कर दिया गया है। साथ ही छुआछूत से उपजी किसी भी निर्योग्यता को लागू करना विधि के अनुसार दंडनीय अपराध माना गया है। अस्पृश्यता के अंत से छूत अछूत समझे जाने वाले विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को एक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक सांस्कृतिक अधिकार मिल गया है। 30वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? यह अनुच्छेद 21 है, क्योंकि देखिए सतवंत सिंह बनाम असिस्टेंट पासपोर्ट कमिश्नर नई दिल्ली तथा मेनका गांधी बनाम भारत संघ जो 1978 में हुआ था, इस मामले में यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त दैहिक स्वतंत्रता शब्दावली में संचरण का अर्थात इच्छानुसार कहीं भी जाने का अधिकार आता है, जिसमें विदेश भ्रमण भी शामिल है। प्रश्न 31 है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारतीय संविधान का अभिभावक माना जाता है, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक उच्चतम न्यायालय को माना जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार के माध्यम से उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। इसके अतिरिक्त संविधान की व्याख्या भी उच्चतम न्यायालय ही करता है। यह संविधान के उल्लंघन को होने से रोकता है। इस कारण 31वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को रक्षक और भारतीय संविधान का अभिभावक उच्चतम न्यायालय होगा। प्रश्न 32 है, किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया? एक केशवानंद भारती जो विवाद था, इसने मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार संसद को दिया गया था, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने सबसे पहले 1951 में जो शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद था, उसके बाद 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का जो विवाद आया, उसमें ये बताया गया कि संसद संविधान के मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
उसके बाद फिर एक विवाद आया जो 1967 में आया था, जिसे गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य विवाद का नाम दिया गया। इसमें उच्चतम न्यायालय ने शंकरी प्रसाद और सज्जन कुमार का जो वाद हुआ था उसके उलट एक निर्णय दिया और कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं की जा सकती, यानी मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दिया। अब चूंकि वर्तमान में नवीनतम निर्णय यानी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के आधार पर संसद को मूल अधिकारों में संशोधन की शक्ति प्राप्त है और ये शक्ति सीमित है, अतः विकल्प जो ऑप्शन प्रश्न 32 है उसमें भी केशवानंद भारती सही हो जाएगा, क्योंकि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 था इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने बताया कि संविधान में संशोधन की संसद की जो शक्ति है वह विस्तृत है लेकिन असीमित नहीं है, और मूल अधिकारों का संशोधन तो कर सकती है लेकिन ऐसे संशोधन नहीं कर सकती जो आधारभूत तत्वों को नष्ट कर दे। संशोधन करेगी लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखेगी कि उसके आधारभूत ढांचे को में परिवर्तन न हो। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को खत्म किया गया है, लोप किया गया है? भारतीय संविधान का संविधान संशोधन 44वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जो कि 1978 में लाया गया था, इसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को खत्म कर दिया गया और इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस कारण से 33वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त किया गया और इस प्रकार मूल अधिकार 6 ही रह गए। 34वां प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं, विदेशी नागरिकों को नहीं दिया गया है। इसमें देखिए जो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त है, विदेशियों को प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त विधि के समक्ष समता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का जो अधिकार है ये सभी नागरिकों, चाहे भारत का नागरिक हो या फिर भारत का नागरिक ना हो यानी गैर नागरिक हो, उसको ही प्राप्त है। इसमें से केवल जो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार है ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं, ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। इस कारण से ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान मान्यता देता है और नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, ये केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, केवल भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, धार्मिक भाषाई और नृजातीय अल्पसंख्यकों को। इसमें से केवल ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि धार्मिक और भाषाई रूप से जो अल्पसंख्यक हैं उनको भारतीय संविधान मान्यता देता है, क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 कहता है कि धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थाओं को की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार है। इस कारण से 35वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन जीने का जो अधिकार है इसे खत्म नहीं किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे कि किसी भी भाग में निवास करने और बसने की स्वतंत्रता, संपूर्ण क्षेत्र में अबाध रूप से भ्रमण करने की स्वतंत्रता और आजीविका की स्वतंत्रता, इनको आपातकाल में रोका जा सकता है लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन जीने के अधिकार को नहीं खत्म किया जा सकता आपातकाल में भी। और ये स्थिति तब आई जब 44वें संविधान संशोधन 1978 के बाद अनुच्छेद 21 में जो दी गई है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसको राष्ट्रीय आपातकाल में भी सीमित नहीं किया जा सकता है। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय ने बताया था कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल या युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है तो सभी मूल अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 20 जो अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है इसको स्थगित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषित हुआ है तो अनुच्छेद 21 और 20 के साथ साथ अनुच्छेद 19 जिसमें से बोलने की स्वतंत्रता के कुछ अधिकार का संरक्षण है इसको आप बचाए रख सकते हैं, यानी कि ये निलंबित नहीं होगा। तो अगर विद्रोह हुआ है, सशस्त्र विद्रोह हुआ है और इस कारण आपातकाल घोषित हुआ है तो अनुच्छेद 21 और 20 के साथ साथ अनुच्छेद 19 को भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, यानी कि अनुच्छेद 19 में के कुछ विषयों को नहीं निलंबित किया जा सकता। 37वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए
कितने दिनों के लिए, कितने समय के लिए बंदी बनाया जा सकता है? 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 22 का चौथा कहता है कि निरोध 3 माह से अधिक नहीं होगा। यदि 3 माह से अधिक होता है तो उसके लिए ये मामला सलाहकार बोर्ड को निर्दिष्ट कर दिया जाएगा, और जब सलाहकार बोर्ड का ऐसा निर्णय आ जाए, ऐसा मत आ जाए कि निरोध इस उसको 3 माह से अधिक निरोध करने के लिए या 3 माह से अधिक जिससे समय के लिए बंदी बनाए लेने के लिए पर्याप्त कारण हैं, तभी उसे 3 माह से ज़्यादा बंदी बनाया जा सकता है बिना मुकदमा चलाए। नहीं तो 3 माह से अधिक बिना मुकदमा चलाए बंदी नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा अनुच्छेद 22 का चौथे में लिखा हुआ है। 38वां प्रश्न है, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ पर है? ये भारतीय संविधान के राज्य के नीति निदेशक तत्वों में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को बताया गया है, क्योंकि जो कि भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 36 से 51 तक है। 39वां प्रश्न है, एक तरफ भारतीय संविधान के अनुच्छेदों की सूची दी गई है और दूसरी तरफ उससे संबंधित विषयों की सूची दी गई है। अनुच्छेद 40 का सही मिलान है ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 41 का सही मिलान है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, अनुच्छेद 44 में का सही मिलान है नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, जबकि अनुच्छेद 48 का सही मिलान है कृषि एवं पशुपालन। 40वां प्रश्न है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ये अनुच्छेद 51 है। इसके अतिरिक्त जो अनुच्छेद 48 का ए है उसमें पर्यावरण संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 43 के काम में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने का अधिकार दिया गया है, जबकि अनुच्छेद 41 में काम, शिक्षा, लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक तत्व नहीं है? मद्य निदेश, मद्य निषेध ये राज्य के नीति निदेशक तत्वों में आता है, गौ संरक्षण भी आता है, पर्यावरण संरक्षण भी आता है, जबकि 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा ये नहीं आता है। चूँकि देखिए जो मद्य निषेध की बात की गई अनुच्छेद 47 के अंतर्गत, गौ संरक्षण ये अनुच्छेद 48 के अंतर्गत तथा पर्यावरण संरक्षण अनुच्छेद 48 के ए के अंतर्गत आता है, जो कि राज्य का नीति निदेशक तत्व है। 14 वर्ष आयु तक के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का उपबंध पहले अनुच्छेद 45 में था, लेकिन 86वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट संविधान संशोधन 2002 के बाद अनुच्छेद 21 के ए के अंतर्गत मूल अधिकार बन गया है। अब अनुच्छेद 45 में केवल 6 वर्ष से नीचे की आयु के बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था को शामिल किया गया है। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? ये मुफ्त कानूनी सलाह है जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निदेशक तत्वों के अनुच्छेद 39 का में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का के रूप में जोड़ा गया। 42वें प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 43वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? ये स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए, जो कि भाग 4 ए में शामिल किए गए, और अनुच्छेद ए जोड़कर इसके अंतर्गत मूल कर्तव्यों को लाया गया। इसमें इसके लिए 42वां संविधान संशोधन किया गया था, जो कि 1976 में किया गया था। 44वां प्रश्न है, कथन दिया है और कारण दिया है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, और कारण है राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। इसके लिए जो कथन दिया है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति, ये सही है, लेकिन जो कारण है वो गलत हो जाएगा कि राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74 के ए के अंतर्गत राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, जिस कारण से ये कारण गलत हो जाएगा कि राष्ट्रपति की शक्तियों की सीमा नहीं है, क्योंकि वो जो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। 45वां प्रश्न है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सदस्य होते हैं, पहला संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये बिल्कुल सही है, राज्य विधानमंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ये गलत है, क्योंकि राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सही है,
दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये भी सही। इस कारण से कथन पहला, तीसरा और चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 54 कहता है जो राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल होगा उसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे, इसके अतिरिक्त दिल्ली और पांडिचेरी विधानसभाओं के भी निर्वाचित सदस्य होंगे। और जो दिल्ली और पांडिचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किए गए, इसे 70वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा लाया गया। 46वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए, ये कम से कम 50 निर्वाचकों के द्वारा किया जाना चाहिए। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, जिसके 1997 में संशोधित किया गया था, इसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए कम से कम 50 निर्वाचकों जो कि निर्वाचित हों इनका प्रस्तावक के रूप में होना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त 50 निर्वाचकों के द्वारा इस प्रस्ताव का अनुसमर्थन भी किया जाना चाहिए। 47वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया के लिए सही नहीं है। पहला कथन है कि पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चुनाव अवश्य हो जाना चाहिए, ये तो सही है। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे, सही है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी अपने कार्यकाल की समाप्ति पर भी अपने पद पर बना रहेगा, ये भी सही है। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि अनुच्छेद 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों के द्वारा किया जाता है जिसमें संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें दिल्ली और पुदुचेरी की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी शामिल होते हैं। निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने अर्थात किसी विधानसभा के बर्खास्त होने की वजह से राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति के चुनाव के आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है, क्योंकि राष्ट्रपति निर्वाचन मामले में जो कि 1974 और में सुप्रीम कोर्ट में निर्णय दिया था कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन के आधार पर ना तो स्थगित किया जा सकता है और ना ही अवैध ठहराया जा सकता है कि किसी राज्य में विधानसभा भंग हो गई थी और इस कारण से निर्वाचक नामावली अधूरी थी। 48वां प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, उसे भारत का जन्मा नागरिक होना चाहिए, ये कथन गलत है। उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, ये कथन सही है। उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, ये इसलिए गलत हो जाए क्योंकि लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए, तो इस कारण से केवल दूसरा कथन सही हो जाएगा कि राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद 58 का ए कहता है कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इस कारण से स्पष्ट है कि भाई जो पहला कथन है कि जन्मा नागरिक नहीं हो केवल भारत का नागरिक होगा तो भी काम चल जाएगा। 49वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 56 के खंड 1 के उपखंड ख में लिखा है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया के द्वारा उसे अपने पद से हटाया जा सकता है। 50वां प्रश्न है, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, ये 6 महीनों में भर लिया जाना चाहिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 62 के एक के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। अनुच्छेद 62 का दूसरा कहता है कि यदि राष्ट्रपति का पद जो खाली हुआ है वो राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग या पद से हटाए जाने के कारण है तो उसके रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन जब पद रिक्त होगा उसके तारीख के बाद यथाशीघ्र और किसी भी हाल में 6 महीने होने से पहले ही कर लिया जाएगा और रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति अनुच्छेद 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जब भी अपना पद ग्रहण करेगा उससे 5 वर्ष की अवधि तक अपना पद धारण करेगा। ये पॉलिटी का पार्ट 1 था जिसमें 50 प्रश्नों को हम लोगों ने कवर किया और पार्ट 2 और पार्ट 3 में हम 50 प्रश्नों को कवर करके भारतीय राज्य व्यवस्था की टेस्ट सीरीज को कंप्लीट कर लेंगे और प्रयास रहेगा कि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को शामिल कर लिया जाए जिसमें से अधिकांश
ऐसे प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास है जो कि UPPCS की आने वाली प्रारंभिक परीक्षा में आपको परीक्षा हाल में आए प्रश्नों को सॉल्व करने में मददगार साबित होंगे। हमसे लगातार जुड़े रहें, हमारा टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके फेसबुक पर भी आप जाकर के विजिट करके है, वहाँ पर जो डेली अपडेट आ रहा है उसे भी आप प्राप्त कर सकते हैं। और IAS के लिए जो डेली करंट अफेयर की सीरीज़ पढ़ रही है उसे आप ध्यान से पढ़िए, वो निश्चित तौर पर आपका प्रारंभिक परीक्षा IAS की प्रारंभिक परीक्षा को पास करने में मददगार साबित होगी। धन्यवाद।